जय हिंद। एसएससी एमटीएस इंग्लिश क्लासेज में आप सभी साथियों का स्वागत करते हैं। तो आज है इंग्लिश की जो प्रैक्टिस सेट है 8 है, और हम लोग जो है यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज और कम्प्रिहेंशन, इंग्लिश ग्रामर के प्रश्न सारे जो है आप लोगों को हम इस चैनल पर करा रहे हैं, जो एसएससी एमटीएस के एग्जाम से रिलेटेड है। और एसएससी एमटीएस के एग्जाम में जो प्रीवियस ईयर के प्रश्न पूछे गए हैं उसको मैं साथ ही साथ इस चैनल पर करा रहे हैं। वह चाहे इंग्लिश है या कह सकते हैं जो जनरल अवेयरनेस हो जाए, या मैथ है या रीजनिंग है, सारे चीज यहाँ पे अवेलेबल है। तो आप लोग इस चैनल को फॉलो कीजिए, आप लोग को चारों सब्जेक्ट के जो है यहाँ पे प्रैक्टिस करने के लिए मौका जरूर मिलेगा। तो आप लोग इस चैनल को शेयर कीजिए, इस चैनल पे आए हैं तो इस चैनल को फॉलो कर दीजिए, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो फर्स्ट प्रश्न है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो फर्स्ट प्रश्न है कि सिलेक्ट दी करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, मतलब यहाँ पे देखना है चार ऑप्शन में से कि यहाँ पे जो सही वर्ड्स दिया गया है वह सही वर्ड कौन सा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, वैरिड। वैरिड जो दिया गया है ये बिल्कुल सही दिया गया है, वैरिड जो दिया गया है ये सही दिया गया है। इसका जो जो लिखा गया स्पेलिंग वर्ड्स है ये बिल्कुल सही है। वैरिड के मतलब होता है अजीब, वैरिड वैरिड का मतलब होता है अजीब होता है दोस्तों, ये इसका हिंदी रूपांतरण हो गया। बाकी आप देखिएगा यहाँ पे रिसीव है, प्रीपेयर है और कैंसल है, ये चारों चीज जो तीनों जो दिए गए हैं ऑप्शन में इसका स्पेलिंग मिस्टेक है, ठीक है। अगर बात करेंगे रिसीव का, तो रिसीव का स्पेलिंग क्या होता है, तो RECEIVE होता है, ये रिसीव का मीनिंग होता है। अगर प्रीपेयर की बात करेंगे तो PRE होता है और PARE होता है, ठीक है दोस्तों। कैंसिल की बात करेंगे तो CANCEL होता है, ये कैंसिल का होता है। तो ये सारे चीज आप लोग ध्यान में रखिएगा, तो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो रहा है, समझ गए। अगला प्रश्न हम लोग चलते हैं नेक्स्ट, जो सेकेंड प्रश्न है। यहाँ पे सेकेंड प्रश्न देखिए कि गिवन बिलो आर फोर जंप्ड सेंटेंस, सिलेक्ट दी ऑप्शन दैट गिव्स देयर करेक्ट ऑर्डर। नीचे चार अवस्थित जो अव्यवस्थित वाक्य दिए गए हैं, सही क्रम देने वाले विकल्प का चयन करना है, सही ऑप्शन देने वाले विकल्प का चयन करना है। एक प्रश्न ऐसे ही रिलेटेड आप लोग को हम पीछे के लेक्चर में कराए हैं। अगर आप लोग यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ पे आवर एम्यूजमेंट्स हैव लिटिल जेस्ट ऑफ वी इंगेज इन देम इन सोलिट्यूड, अगर हम अकेले में मनोरंजन करते हैं तो हमारे मनोरंजन में कोई उत्साह नहीं रहता है, ये ऑप्शन ए हो गया, बी हुआ, सी हुआ और डी हुआ। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो फ्रेंडशिप इंक्रीज हैप्पीनेस डिमिनिशेस मिसरी, दोस्ती खुशी बढ़ाती है दुख कम करती है। एंड नहीं है यहाँ पे, एंड भी है, ठीक है एंड भी है दोस्तों, यहाँ पे एंड और हो जाएगा। इट डबल्स आवर जॉय एंड डिवाइड्स आवर ग्रीफ, यह हमारी खुशियाँ को दोगुनी करती है और हमारे दुख को बांटती है। और यहाँ पे डी में देख सकते हैं, यहाँ पे जो डी ऑप्शन दिया गया है, वेन वी डू वेल इट इज डिलाइटफुल टू हैव फ्रेंड्स हु आर प्लीज्ड विथ आवर सक्सेस, जब हम अच्छा करते हैं तो ऐसे दोस्त होना सुखद होता है जो हमारी सफलता में खुश होते हैं। तो ये चार विकल्प दिए गए हैं और यहाँ पे आप लोग चार ऑप्शन को देख सकते हैं किस तरह का ऑप्शन दिया गया है। तो सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे सही मायने में जो जंप्ड जंप जो जो सेंटेंस है, जंबल सेंटेंस है, उनको सही क्रम में लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे दोस्ती जो है खुशी बढ़ाती है और दुख कम करती है, और क्या करती है, दुख कम करती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो बी ऑप्शन है ये सही लग रहा है, ठीक है, पहले ये होगा, इसके बाद ये सही सी ऑप्शन सही लग रहा है, बी और सी। और डी में देखिएगा, इसके बाद डी हो जाएगा और इसके बाद क्या हो जाएगा, तो इसके बाद ए हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो होगा बी होगा, सी होगा, डी होगा और इसके बाद ए हो जाएगा, ये ऑप्शन जो है यहाँ पे देखने को सही मिल रहे हैं, क्योंकि दोस्ती जो है खुशी बढ़ाती है और दुख कम करती है, और यह जो हमारी खुशी है
इसको दोगुना करती है और हमारे दुख को बांटती है, ये दोस्ती। ठीक है, जब हम अच्छा करते हैं तो ऐसे दोस्त होना सुखद होता है जो हमारी सफलता में से खुश होते हैं। समझ में आ गया? और फिर आगे लास्ट में है कि अगर हम अकेले में मनोरंजन करते हैं तो हमारे मनोरंजन में कोई उत्साह नहीं रहता है, वहां पे हमारे दोस्त का होना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे बी सी डी ए ऑप्शन जो है, बी ऑप्शन में ये सही हो रहा है। तो इस तरह के प्रश्न आप लोगों को मिलेंगे, आप लोग ध्यान में रखिएगा और इस तरह को जो है आप लोग को सही तरीका में कैसे इसको बैठाना पड़ेगा। ठीक है, कि कौन सा ऑप्शन सबसे पहले हो रहा है। ओके, समझ गए। अगला यहाँ पे देखेंगे जो थर्ड प्रश्न है, यहाँ पे देख सकते हैं द फ्लोइंग सेंटेंसेज हैज बीन स्प्लिट इंटू फोर सेगमेंट, आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स ए ग्रामेटिकल एरर। यहाँ पे जो चार खंडों को विभाजित किया गया है और उस खंडों को पहचानना है जिसमें से क्या है ग्रामेटिकल इरर देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पे देखना है कि किसमें ग्रामेटिकल इरर जो है हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, अब जो यहाँ पे क्वेश्चंस दिए गए हैं कि नो सूनर डिड, यहाँ पे ये यह जो पहला सेगमेंट है, इसके बाद सेकेंड में आते हैं द चाइल्ड स्टार्ट क्राइंग, ये सेकेंड सेगमेंट हो गया, देन द मदर, ये थर्ड सेगमेंट है, और चौथा देखेंगे ह्यूज हिम। ठीक है, ये चौथा सेगमेंट है। समझ में आ गया? इसका अगर हम लोग हिंदी रूपांतरण करेंगे कि जैसे ही बच्चों ने रोना शुरू किया तब माँ ने उसे गले लगा लिया, ये बातें समझ में आ गया? तो यहाँ पे हम लोग को राइट आंसर की बात करना है कि यहाँ पे जो राइट आंसर होना चाहिए ये कौन सा राइट आंसर होना चाहिए, और यहाँ पे कौन सा ऑप्शन जो है, यहाँ पे जो कौन सा सेगमेंट है ये यहाँ पे गड़बड़ हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं जो यहाँ पे जो सेंटेंस में ये वाला जो दिया गया है, जो सेगमेंट थर्ड है, ये बिल्कुल गलत हो रहा है। यहाँ पे देन दिया गया है, यहाँ पे देन दिया गया है, लेकिन यहाँ पे क्या होना चाहिए, देन का प्रयोग होना चाहिए। यहाँ पे क्या होना चाहिए, तो यहाँ पे देन का प्रयोग होना चाहिए। ठीक है, क्यों यहाँ पे देन का प्रयोग होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो पहले देखे हैं नो सूनर का प्रयोग किया गया है, और नो सूनर के साथ कभी भी देन का प्रयोग नहीं होता है, नो सूनर के साथ कभी भी देन का प्रयोग नहीं होता है, इसका प्रयोग जो है देन का प्रयोग होता है। तो जब भी आप लोगों को प्रश्न में दिख जाए नो सुनर, अगर उसमें देन देख लिया जाए तो आप लोग उस जो सेगमेंट दिया रहेगा आप लोग उसको गलत करिएगा, उसके जगह पर देन का प्रयोग कीजिएगा। समझ में आ गया? तो नो सुनर आप लोग को यहाँ पे हम कुछ चीज बता देते हैं, ध्यान में से रखिएगा, कभी भी नो सुनर मिल जाए आप लोग को, कभी भी नो सुनर सेंटेंस में मिल जाए, ठीक है, तो कभी भी आप उसके साथ देन का प्रयोग कीजिएगा, आप उसके साथ क्या कीजिएगा, देन लगाइएगा। ठीक है, अगर आप लोग को नो सुनर की जगह पर हार्डली मिल जाए या स्कैसली, आप लोग को अगर मिल जाए ये स्कैसली मिल जाए, SCARCLY होता है, या कह सकते हैं हार्डली मिल जाए, H साथियों काम नहीं कर रहा है, HARDLY हार्डली मिल जाए, तो इसके साथ आप क्या कीजिएगा, वेन का प्रयोग कीजिएगा, इसके साथ क्या कीजिएगा, वेन का प्रयोग कीजिएगा। ठीक है, वेन का प्रयोग कीजिएगा, तो इसे ध्यान में आप लोग जरूर रखिएगा। तो नो सुनर के साथ देन का प्रयोग करना है, और जो स्कैसली और हार्डली आ जाए तो आप लोग वेन का प्रयोग कीजिएगा। ये बिल्कुल समझ में आ गया? तो इसलिए यहाँ पे जो डी ऑप्शन है ये बिल्कुल सही हो रहा है, यहाँ पे डी ऑप्शन जो है ये सही हो रहा है, देन के जगह पर क्या होना चाहिए, देन होना चाहिए। तो ये बातें आप लोगों को पता चल गया। नेक्स्ट आते हैं हम लोग प्रश्न जो फोर्थ है, यहाँ पे फोर्थ प्रश्न है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड्स। सिनोनिम्स दिया गया है अस्मूथ का जो है इसका हिंदी चिकना होता है, तो अगर हम लोग इस चिकना के बात करेंगे जो सिनोनिम्स हो जाएगा इसका, तो इसका जो सिनोनिम्स होगा फ्लैट हो जाएगा, सपाट, यहाँ पे ऑप्शन जो ए है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। रफ का मतलब होता है रूखा, अपशिष्ट, अनइवन का मतलब असमतल, और ब्रोकन का मतलब होता है टूटा हुआ, तो स्मूथ का राइट आंसर ए सही हो जाएगा। अगला देखेंगे हम लोग प्रश्न जो फाइव है, ध्यान से देखिए, यहाँ पे जो फाइव प्रश्न है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन बी सब्स्टिट्यूटेड अंडर लाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंसेस।
इफ देयर इज नो नीडेड टू सब्स्टिट्यूट इट सेलेक्ट नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्स। जो इसमें से सबसे अच्छा विकल्प है उस वाक्य में इसको रेखाखंड किया गया है तो उसको हम लोग को अगर उस प्रतिस्थापित करने के लिए अगर उसकी आवश्यकता है तो करेंगे, नहीं है तो नहीं चुनेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ध्यान से, ये प्रश्न दिया गया है कि कंप्यूटर क्राइम हैव बीन इन द न्यूज सिंस द 1980s। यहाँ पे करें 1980 के दशक से कंप्यूटर अपराध समाचारों में रहा है, ये दिया गया है। अब इसमें से हम लोग को राइट ऑप्शन की बात करना है कि कौन सा क्या है इसमें से सही हो रहा है, कि जो यहाँ पे जो अंडरलाइन किया गया है बीन इन द न्यूज सिंस, यहाँ पे ये वाला चीज जो अंडरलाइन दिया गया है कि क्या ये सही हो रहा है। तो देख सकते हैं यहाँ पे जो हैव बीन दिया गया है, जो कंप्यूटर क्राइम है इसके साथ हैव बीन का प्रयोग नहीं होना चाहिए, इसके साथ हैज बीन का प्रयोग होना चाहिए। इसके साथ क्या लगना चाहिए साथियों, तो इसके साथ हैज का प्रयोग होना चाहिए, इसके साथ हैज का प्रयोग होना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो सब्जेक्ट है दोस्तों, यहाँ पे जो सब्जेक्ट है, यहाँ पे सब्जेक्ट कंप्यूटर है, यहाँ पे जो सब्जेक्ट है कंप्यूटर क्राइम है। ठीक है, और जो कंप्यूटर क्राइम दिया गया है ये सिंगुलर नंबर में है, ये कौन सा नंबर में है, ये सिंगुलर, माफ कीजिएगा, सिंगुलर नाउन है, नंबर नहीं मतलब वही सिंगुलर ये नाउन है। ठीक है, तो इसीलिए इसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब होगा वह क्या हो जाएगा, हैज हो जाएगा। इसके साथ हेल्पिंग वर्ब जो होगा हैव के जगह पर क्या होगा, हैज होगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे जो ऑप्शन जो बी होगा ये बिल्कुल सही होगा, हैज बीन इन द न्यूज सिंस, हैज बीन इन द न्यूज जो सिंस है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो बी ऑप्शन सही है, आप लोग करेक्ट सेंटेंस को देख सकते हैं, कंप्यूटर क्राइम हैज बीन इन द न्यूज सिंस द 1980s। ठीक है, समझ में आ गया। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, जो छह प्रश्न है कि सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज वन वर्ड सब्स्टिट्यूटेड, मतलब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। यहाँ पे जो सही वर्ड है हम लोग को सही तरह से देखना है, दिया गया है यहाँ पे देख लीजिए, ए साउंड डेट कैन नॉट बी हर्ड, एक ध्वनि जो सुनी नहीं जा सकती है, एक ध्वनि जो सुनी नहीं जा सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है ये कौन सा सही होगा, तो ऑप्शन नंबर जो डी है ये सही होगा, इन आइडिएबल। यहाँ पे जो ऑप्शन डी हो रहा है इन आइडिएबल ये बिल्कुल सही रहा है, जो हटाया न जा सके अमिट, जो हटाया न जा सके, जिसको बोला जाता है अमिट बोला जा सकता है। ठीक है, तो एक ध्वनि जो सुनी नहीं जा सकती है उसी को अमिट कहा जाता है, समझ में आ गया। तो डी ऑप्शन सही होगा, करेक्ट होगा डी ऑप्शन। अगला प्रश्न हम लोग चलते हैं, जो सेवन प्रश्न है कि द फ्लोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू फोर सेगमेंट, आइडेंटिफाइड द सेगमेंट दैट कंटेन्स ए ग्रामेटिकल एरर। ठीक है, यहाँ पे माइन दिया गया है इन योर नेम, यहाँ पे जो प्रीसीड्स द एडमिशन लिस्ट बिफोर, मेरा में आपका नाम प्रवेश सूची में पहले है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग सेवन ऑप्शन की बात करेंगे, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो डी ऑप्शन देख सकते हैं। यहाँ पे जो चार सेगमेंट दिया गया है, फर्स्ट, सेकेंड, और यहाँ पे थर्ड, और यहाँ पे फोर्थ दिया गया। ठीक है, तो ग्रामेटिकल इरर देखना है कि किस कौन सा ऐसा सेगमेंट है जिसमें ग्रामेटिकल इरर जो है लगा हुआ है। तो देखेंगे ऑप्शन नंबर डी हम लोग यहाँ पे सही करेंगे, ऑप्शन नंबर जो डी है यहाँ पे हम लोग सही करेंगे। जो यहाँ पे जो प्रीसीड्स डी दिया गया है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, जो इन योर नेम होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे क्या होना चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पे जो अगर हम लोग इसको करेक्ट सेंटेंस की बात करेंगे तो योर नेम होगा। यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिए, यहाँ पे योर नेम प्रीसीड माइन होगा, प्रीसीड से माइन हो जाएगा, प्रीसीड माइन यहाँ पे ये वाला होगा सबसे पहले। थोड़ा सा हम इस वाला प्रश्न में थोड़ा सा मिस्टेक कर दिए हैं, ये प्रश्न जो है हम सही तरीका से नहीं बैठा पाए हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पे ये थोड़ा सा इसमें दिक्कत लग रहा है, यहाँ पे जो है ये दिक्कत लग रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ये इस प्रश्न को हम यहाँ पे रहने देते हैं, इस प्रश्न को अभी। ठीक है, अगला हम लोग देखेंगे प्रश्न एट, देखिए यहाँ पे जो एट प्रश्न है कि सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इनटू एक्टिव वॉइस।
यहाँ पे एक्टिव पास देखना है कि हाउ मेनी कैंडिडेट्स हैड बीन इंटरव्यूड बाई हिम बिफोर लंच। यहाँ पे देख सकते हैं जो यहाँ पे पैसिव वॉइस दिया गया है, हम लोग को एक्टिव वॉइस देखना है कि यहाँ पे एक्टिव वॉइस कौन सा सही हो रहा है। इसका हिंदी देखेंगे तो इससे पहले कितने अभ्यर्थियों का साक्षात्कार जो है लिया गया था, ठीक है। तो यहाँ पे हैड बिन दिया गया है, ध्यान से देखिएगा, हैड बिन का प्रयोग किया गया है। तो ये ऑप्शन को अगर हम ध्यान से देखेंगे कि हाउ मेनी कैंडिडेट्स हैड हो जाएगा द इंटरव्यूड बिफोर लंच, ठीक है। अगर अगला ऑप्शन हम देखेंगे तो हाउ मेनी कैंडिडेट्स वाज दिया गया, ये तो सीधा तौर पर गलत हो गया। यहाँ पे डेट दिया गया, ये भी सीधा तौर पर गलत हो गया। और अगला डी ऑप्शन देखिएगा, यहाँ पे हैज दिया गया है तो ये भी गलत हो गया। तो यहाँ पे क्या होगा, देख सकते हैं जो हैड है इसके साथ हैड बिन का प्रयोग होगा, तो ए ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो रहा है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग प्रश्न 9। यहाँ पे देखिए जो 9 प्रश्न है कि द फ्लोइंग सेंटेंस हैज बिन स्प्लिट इंटू 4 सेगमेंट, आइडेंटिफाई द सेगमेंट द कंटेंट्स ए ग्रामेटिकल एरर। फिर अच्छा सही प्रश्न आ गया, दिस रिसेंटली हिक इन द प्राइस ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स विल हिट हाउस होल्ड बजट सवरेली, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो फर्स्ट खंड, सेकेंड खंड, थर्ड खंड दिया गया और यहाँ पे फोर्थ खंड दिया गया। तो कह रहा है कि पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में हाल ही में हुई बढ़ोतरी से घरेलू जो बजट पर है बहुत ज़्यादा असर देखने को मिला है, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पे ऑप्शन की, तो यहाँ पे ए ऑप्शन देखेंगे, इसमें ग्राम बेटिकलर है द रिसेंटली, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पे जो जो सेगमेंट 1 है यही यहाँ पे गलत हो रहा है, ठीक है। इसके स्थान पर जो रिसेंटली दिया गया है, इसके स्थान पर रिसेंट होना चाहिए, इसके स्थान पर क्या होना चाहिए, रिसेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए दोस्तों, इसके स्थान पर रिसेंट ही का प्रयोग होना चाहिए, क्योंकि हीक के मतलब होता है बढ़ोतरी। हीक के मतलब क्या होता है, तो हीक का मतलब होता है बढ़ोतरी होता है। क्या होता है दोस्तों, तो इसके मतलब बढ़ोतरी होता है, ठीक है। तो ये आप लोग को पता है कि नाउन के पहले एडजेक्टिव का प्रयोग होना चाहिए, ना कि एडवर्ब का प्रयोग होना चाहिए। तो नाउन के पहले किसका प्रयोग होना चाहिए, एडजेक्टिव का प्रयोग होना चाहिए। नाउन के पहले एडजेक्टिव का प्रयोग होना चाहिए, ना कि किसका, एडवर्ब का प्रयोग होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, समझ में आ गया, ए ऑप्शन यहाँ पे होगा। अगला प्रश्न हम लोग चलते हैं 10 पे। यहाँ पे देखिए ध्यान से 10 प्रश्न है कि सिलेक्ट द ऑप्शन दैट गिव्स द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन एड। इट इज गुड टू टेक इनटू अकाउंट ऑल द इम्पोर्टेंट फैक्टर्स बिफोर मेकिंग ए डिसीजन। निर्णय लेने से पहले सभी महत्वपूर्ण कारकों को ध्यान में रखना अच्छा होता है, ठीक है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, कंट्रोल, लीव, कंसीडर और सिलेक्ट दिया गया है। सही देखना है, सही मायने में यहाँ पे कौन सा सही होगा इस जो फ्रेज है, तो सी ऑप्शन को हम लोग सही करेंगे, क्योंकि विचार करना, कंसीडर करना, क्योंकि जब भी हम निर्णय लेते हैं तो सबसे पहले हम उस जो बिंदु होता है, कारक होता है, हम पहले उस पर ध्यान रखते हैं, ध्यान से उसको रखना चाहिए। तो हमको क्या करना है, सबसे पहले उस पर विचार विमर्श करना चाहिए, क्या ये डिसीजन जो हम ले रहे हैं क्या ये सही है या गलत है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले कंसीडर, सी ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही होगा, ठीक है। सारे अर्थ से अर्थ ये इसका अर्थ अलग है। अगला प्रश्न 11 है कि सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज एज ए वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन वर्ड, गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ठीक है। ए ग्लास कंटेनर टू कीप फिश, मछली रखने के लिए कांच का कंटेनर, मछली रखने के लिए जो कांच का कंटेनर है इसको क्या कहा जाता है, एट्रियम, वेस, एक्वेरियम और बीकर कहा जाता है। तो इसको जो क्या कहा जाता है, इसको एक्वेरियम कहा जाता है। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है, ठीक है। इसको क्या कहा जाता है, एक्वेरियम कहा जाता है, जो मछली को रखा जाता है। अगला प्रश्न 12 है कि एंटोनिम्स दिया गया है, और एंटोनिम्स में इसमें सौहार्द्र दिया गया है, ठीक है। सौहार्द्र का पूछा गया है कि जो इसका एंटोनिम्स है इसका क्या हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग अगर बात करेंगे इसका, अगर राइट आंसर की बात करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे जो डिसलाइक दिया गया है, नापसंदी, ये बिल्कुल सही होगा। डिसलाइक दिया गया है, जो नापसंदी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। जो सौहार्द्र हो गया, इसका मतलब हो गया नापसंदी। सौहार्द्र का मतलब क्या होता है, सौहार्द्र, ठीक है। सौहार्द्र तो मिल गया, यहाँ पे डिसलाइक बिल्कुल सही हो रहा है, जिसे घृणा होता है, द्वेष होता है। अगला देखते हैं हम लोग जो 13 प्रश्न है, देखिए यहाँ पे
ग्रामेटिकल एरर दिया गया है यहाँ पे। जो सेगमेंट दिए गए हैं 4 सेगमेंट, फर्स्ट है, इसके बाद सेकेंड है, थर्ड है और फोर्थ है। इसमें कहाँ पे ग्रामेटिकल एरर है उसको ध्यान से देखना है। इट इज नॉट वर्थ हैविंग द ट्रबल टू राइट टू हिम एज हर नेवर रिप्लाइज। उसे पत्र लिखने में परेशानी उठाना उचित नहीं है क्योंकि वह कभी जवाब नहीं देता है, ठीक है। तो यहाँ पे ग्रामेटिकल इरर की बात करें तो ग्रामेटिकल इरर देखना है कहाँ पे ये ग्रामेटिकल जो इरर है यहाँ पे गलत हो रहा है। तो सेगमेंट हम लोग का जो 2 है यहाँ पे गलत हो रहा है क्योंकि हाँ सेगमेंट जो है यहाँ पे गलत हो रहा है क्योंकि टेकिंग द ट्रबल यहाँ पे जो हैविंग है यहाँ पे ये गलत हो रहा हैविंग जो दिया गया है ये यहाँ पे गलत हो रहा है। टेकिंग विथ जो ट्रेवल है यहाँ पे जो टेकिंग कहाँ है देख सकते हैं यहाँ पे जो हैविंग द ट्रबल ये कोई भी फ्रेज नहीं है लेकिन यहाँ पे जो हैविंग की जगह पर टेकिंग हो जाएगा टेकिंग द ट्रबल। टेकिंग द ट्रबल जो है ये एक प्रकार का फ्रेज है। टेकिंग द ट्रबल के मतलब होता है मेहनत करना। टेकिंग द ट्रबल के मतलब होता है मेहनत करना। तो ये जो है एक प्रकार का फ्रेज है, ठीक है। लेकिन हैविंग दी ट्रबल जो है एक प्रकार का फ्रेज नहीं है। तो ये सेगमेंट जो यहाँ पे बी ऑप्शन देख रहे हैं ये बिल्कुल गलत हो रहा है, ठीक है, समझ में आ गया। अगला बढ़ेंगे प्रश्न जो यहाँ पे 14 है। 14 यहाँ पे प्रश्न है कि सिलेक्ट दी मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ दी गिवन वर्ड। सिनोनिम्स देखना है इमिनेंट का आसन, इसका जो सिनोनिम्स क्या हो जाएगा तो सन्निकट या आसन हो जाएगा। यहाँ पे जो इम्पेंडिंग दिखा रहा है ऑप्शन ए ये राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग जो 15 प्रश्न है इनडायरेक्ट स्पीच यहाँ पे हम लोग को देखना है। सी सेड द स्टार आर शाइनिंग ब्राइटली टू नाइट। उसने कहा आज रात तारे बहुत चमक रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये सेंटेंस दिया गया है डायरेक्ट स्पीच दिया गया है, हम लोग का इस सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है और राइट आंसर को चुनना है। तो ध्यान देखेंगे यहाँ पे जो आर दिया गया है ध्यान रखिएगा आर है, ठीक है। तो स्टार्स दिया गया है तो वेयर तो किसी भी कीमत पर प्रयोग होगा यहाँ पे देख सकते हैं। सी सेड हो जाएगा तो सी सेड यहाँ पे दिया गया है। इसके बाद डी स्टार दिया गया ये तो बिल्कुल गलत हो गया। यहाँ पे इफ दिया गया है ये भी गलत हो गया। सी सेड डेट डी स्टार्स वेयर शाइनिंग ब्राइटली डेट टू नाइट। यहाँ पे जो टू नाइट दिया गया है तो टू नाइट का क्या होगा डेट नाइट। ऑप्शन सी है ये बिल्कुल सही हो रहा है। आ यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे डेट और कुछ नहीं दिया गया तो ये गलत हो गया। सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो रहा है, समझ में आ गया। आप लोग देख सकते हैं ये दिया गया है। तो आपके लिए 15 प्रश्न लिए थे, कैसा लगा आप लोगों को आज की इंग्लिश की क्लास जरूर कमेंट करके बताइएगा। इस